मेरे आका। अब बोल, तेरे सब लूमड़ मारे जाएंगे। लूमड़ फंस जाए तो तंग करते हैं। अगर दो टांगों वाले हों और मंदर का अनाज खा जाएं, तू तो रोज मूसा के खिलाफ अर्जी ले आता है। शहद बन रहा है और मैं जीत रहा हूं, तंग न कर मुझे, इसलिए कि बाद में पछताना ना पड़े। जिंदगी पछतावा है। हा, मगर आज अच्छी खबर है मूसा। और रमेश, चालाकिया सर, अब बोलो मैं जीत गई और चालाकी भी नहीं चलेगी। तो तू खेल हार के तू मूसा को जीतना चाहती थी। खेल हार के बहुत कुछ जीता जा सकता है और हारा भी जा सकता है। हाँ हाँ, मेरी सालगिरह की सब ऐलान तैयार है, सिवाय शहजादी की शादी के ऐलान के। रामेश के साथ नहीं। तुझे किसने कह दिया कि रामेश होगा? और कौन होगा फिरौन का जानशीन? मूसा। और कौन? मूसा ने मंदिरों का सब अनाज चुना लिया है। तू तो भूखा नहीं लगता। दोनों जुगाड़ना बंद करो मेरे आका। चुप कर। तुम्हारे लूमड़ का सर लाया हूं। तुम्हें जोशन उस कुत्ते का सर लाने भेजा था जो गुलामों को आजाद कराता है। कहां है वो? गुलामों को निजात देने की जरूरत नहीं रही, मूसा मिल गया है। पहेली है जी? मंदिरों का सारा अनाज दे दिया है और हर सातवें दिन छुट्टी। वो उसको मूसा का दिन कहते हैं। देवता बनना चाहता है। मुझे इंसान ही मंजूर है। तुझे वो फिरौन मंजूर है? डर गया तू मूसा से? हाँ, उसके एक हाथ में बिसिनिया है, दूसरे में जोशन है और फिरौन मिस्र बीच में है। मूसा गुलामों को मेरे खिलाफ लाएगा, मैं तो बाप बना हूं उसका। लालच का कोई बाप नहीं होता। मूसा बाप को बहुत प्यार करता है। खुदा के बताए मुझे वो नहीं आ रहा। क्या? मैंने दोनों को बुलाया था। वो कहता है उसे और काम है। और काम? सुन लिया, और काम? मेरे महाफिज, मैं रामेश के साथ जोशन जाके देखूंगा कि शहर बन रहा है या साजिश। झूठ बोल के तू सेठी को मूसा के खिलाफ नहीं कर सकता। ना तो मेरे खिलाफ कर सकती है। याद रख, तूने अगले फिरौन की बीवी बनना है, मेरी बीवी, जैसे मेरे कुत्ते मेरी बिल्लियां प्यार तुझसे ज्यादा करते हैं। तो भरोसा कम, मूसा से कम तो नहीं मैं। मगर तुझे देवताओं ने बनाया है और मैं अपनाऊंगा। तू क्या करेगा? ये एक प्यार तुझे चखने के लिए था, वो सब कुछ जो तेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या परवाह है, तुझे जब भी बुलाऊंगा तुझे आना पड़ेगा, मेरे लिए यही काफी है।
और तेरे लिए भी काफी होगा, तेरे लिए भी काफी होगा। पत्थर पर बोझ ज्यादा है, रेत और चाहिए। मैं ऐसे ही लगा के देखूंगा, वक्त बहुत कम है। अगर पत्थर टूटा तो तू भी टूटेगा। आओ, इशारा दो। तैयार करवाओ जल्दी से, हरी झंडी। तैयार हो, तैयार करो। हथौड़े वाले तैयार करो। क्या हो रहा है यहां? फिरौन का काम, जरूरी काम। सुरख झंडी तैयार करो। रामेश ने बताया है, मेरे हुक्म से ज्यादा जरूरी क्या है? तेरा हुक्म है कि शहर बने, पत्थर पर जोर बहुत ज्यादा है। लाल झंडी। फिरौन की सालगिरह की लाठ, बाका गुलामों से कहो रेत लगा के पत्थर को बैठने दें। फिरौन खुश है? लाठ से खुश है, तुझसे मालूम नहीं। वो क्यों? तूने काहिनों का अनाज लिया? लिया। और गुलामों को दे दिया? हां, और एक दिन की छुट्टी दे दी। हां, उनको खुश करने के लिए। शहर ईंटों से बनता है, भूखे गुलाम थोड़ी ईंटें बनाते हैं, मुर्दे बनाते ही नहीं। और बताओ, और अब देखो, उमूरियों पर तुम्हारी फतह की निशानी। हंसी ऊंची है, दुनिया भर में सबसे ऊंची है। इतने गुलामों से तो तू फौज बना सकता है। मैंने शहर बनाया है जहां पत्थर के सैकड़ों शेर फिरौन सेथी की अजमत का ऐलान करेंगे। ये गुलाम मेरे हैं के तेरे? गुलाम अपने खुदा के हैं और मैं तेरा हूं। देख तेरा बुत जो हजारों साल मेरी वफा की गवाही देगा। आओ,